फरवरी मार्च का मंथ ऐसा होता है जब हम नए नए सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं, नए प्लांट की कटिंग भी लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है या आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही पता चलता है कि कटिंग लगने के बाद वह सूखना शुरू हो गया। पौधे में ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन फिर उसकी जो स्टेम है वह काली होने लगी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। देखिए, ये जो कटिंग स्नेक प्लांट की मैंने लगाई है, इसकी जड़ें कितने अच्छे से डेवलप हो गई हैं। ऐसे ही मैं आपको और भी कटिंग वीडियो के दौरान दिखाती रहूँगी जिनकी जड़ें बहुत आसानी से ग्रो हो गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपके सीडलिंग को मरने नहीं देगा या प्लांट की कटिंग जो आप लगा रहे हो वो मरेगा नहीं और बहुत जल्दी उसमें जड़ें बन जाएंगी। हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से भी नॉलेज हो जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ये 100% ऑर्गेनिक तो है ही, ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है। देखिए, ये स्नेक प्लांट को मैंने करीब एक महीने पहले लगाया था, ठंडियों में ही लगा दिया था दिसंबर में, और इसकी जड़ें बन गई हैं। आप भी कोई नई सीडलिंग लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बातें पहले कर लेते हैं। यदि प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग कम से कम एक साल पुरानी हो और पेंसिल के बराबर मोटी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि कहीं से पौधा उखाड़ कर ला रहे हैं तो जड़ें डैमेज ना हो और जड़ों में मिट्टी लगी हुई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई सर्दियों के फूल आप कट करके लगाना चाहते हो, जैसे पीटूनिया, डायंथस, ये सब फूलों को हम पिंच करके कहीं और लगा देते हैं, आसानी से लग जाता है। जैसे ये कैलेनकोई को मैंने लगाया था और देखो इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ऐसे कोई फूल लगाना चाहते हैं या फिर परमानेंट कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, दोनों पर इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ कर सकते हैं। आप यदि कोई पौधा जो आप डोरमेंसी में था और आप चाहते हैं कि अब उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये मोगरा है, ऐसे ही अपराजिता, गुड़हल, सब डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, उन पौधों को भी आप इस फर्टिलाइज़र को हर एक सप्ताह दिया करें और फिर आप देखें कितनी अच्छी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप नई सीडलिंग लगा रहे हैं तो हर एक 3 से 4 दिनों पर आप इसका एक स्प्रे शाम के समय अपने पौधे उस सीडलिंग पर कर दीजिए, बहुत ही जल्दी जड़ें बन जाएंगी और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधे को मरने नहीं देगा, डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि गुलाब पर एक बार फ्लावरिंग हो गई है और दोबारा फ्लावरिंग के लिए आप रेडी कर रहे हैं, या फिर गुलदाउदी का पौधा है जिसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, उस पर भी आप इसका स्प्रे हर एक 3 दिनों पर किया करेंगे। जैसे ये सर्दियों का पौधा है पिटूनिया, इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, लग जाएगा बहुत आसानी से, या ये कैलेंडुला है, ये डॉग फ्लावर है, ये गजानिया तो अभी मई तक चलता रहेगा, और कैलेनकोई परमानेंट प्लांट है, इनकी जड़ों में भी आप डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। मनी प्लांट वगैरह, जेड प्लांट जो डोरमेंसी से आप बाहर आ रहे हैं, जो अब अपना ग्रोथ दिखाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। हर एक 3 दिनों पर इसका स्प्रे कीजिए या जड़ों में डाल दीजिए। ये देखिए, स्पाइडर प्लांट मैंने लगाया था, ये अपने यहाँ के कटिंग से ही कट करके, मेरे पास स्पाइडर प्लांट की बहुत सारी कटिंग है, गर्मियों में ये बहुत हरियाली देते हैं, बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं। देखिए इसकी जड़ें कितनी जल्दी बन गई हैं। अब जो लोग ये कमेंट करते हैं कि जड़ें बिल्कुल नहीं बनती और मिट्टी में सड़ जाता है पौधा, तो ऐसा ये भी हो सकता है कि मिट्टी उपजाऊ नहीं बनाया है आपने, मिट्टी में कहीं भी वाटर लॉगिंग ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये सभी पेड़ पौधे के साथ जाता है कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, तो एक जो सिंपल रेशियो है वो आप अपनाइए कि 40% गार्डन सॉइल में 40% रेती और 20% कोई भी कंपोस्ट मिला करके बना कर रख लें, उसमें ही आप ग्रो करें, या तो सीडलिंग लगा रहे हैं या फिर आप पौधे लगा रहे हैं, वो एक आइडियल पॉटिंग मिक्स होता है। अब आपको चाहिए इसके लिए एलोवेरा और लौंग, दो चीज़। एलोवेरा आपको पता ही है नेचुरल जर्मिनेशन लेने में मदद करता है, नेचुरल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे कहते हैं। और ये जो लौंग है ये आपने देखा होगा चीनी वगैरह के डब्बे में जब हम लौंग रख देते हैं तो वहाँ से चींटियाँ भाग जाती हैं, ये लौंग की जो स्मेल होती है ये चींटियों को भी भगाती है, आपके प्लांट को फंगस से भी बचाता है। इसको कुछ इस तरीके से आप पीस लेंगे,
अब यदि मात्रा की बात हम कहें तो जितना बड़ा मैंने करीब ये 4 इंच या 5 इंच का है एलोवेरा जो मैंने ले रखा है और ये मेरे 10 गमले में चलेगा, तो उसके हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिए। और एलोवेरा हर बार फ्रेश यूज़ करना है आपको, 3 दिन बाद यदि आप इसे रिपीट करेंगे तो फ्रेश एलोवेरा लेंगे, तो उतना ही लीजिए कि एक बार में पूरा ख़त्म हो जाए। इसमें 12 लौंग डाले हैं मैंने और दोनों को पीस लिया है। अब ये करीब 1 ग्लास हो गया। अब इसमें मैं 2 या 2.5 लीटर पानी मिला दूंगी और उसे अपने सभी प्लांट को दे दूंगी, जो नए जर्मिनेशन के लिए प्लांट लगाए हैं उन्हें भी। फिर आप देखिए 2 से 3 दिनों में ही आपको फ़र्क समझ में आएगा। जिनके प्लांट्स मरे मरे से दिख रहे हैं लगाने के बाद, आप सोच रहे हो शेड में रखूँ, धूप में रखूँ, कहाँ रखूँ। अच्छा देखिए, ये पानी है जो लौंग का पानी होता है, इससे यदि आप न्यू सीडलिंग्स पर या नए प्लांट जिस पर लगाया है उस पर यदि स्प्रे करेंगे सिर्फ लौंग के पानी से भी, तो पौधा आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल पेस्टिसाइड है। अब इसे बनाते कैसे हैं, लौंग के पानी को कैसे बनाना है, इस पर डिटेल एक वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और इस लौंग के पानी को आप 1-1.5 महीने तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। बस 1 चम्मच यदि पानी ले रहे हैं ये लौंग वाला पानी, तो 1 ग्लास उसमें पानी मिला लीजिए और अपने 8 इंच के कंटेनर में वो 1 ग्लास दे दीजिए। यदि स्प्रे कर रहे हैं तो यही हिसाब रखिए, 1 चम्मच लौंग का पानी और फिर 1 ग्लास पानी उसमें मिला करके स्प्रे बॉटल में भरिए और एक पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पत्ते को उलट पलट कर अच्छे से स्प्रे कीजिए, जितनी भी छोटी छोटी समस्याएँ होंगी मिट्टी में वो सब दूर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, ये आपके मिट्टी के अंदर जो वर्मीज हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और आपके पौधे को लॉन्ग टर्म में भी ये बेनिफिट देगा। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने दे दिया ये एलोवेरा और लौंग को पीस करके, आप मिलाकर जैसे मैंने बताया है पानी मिलाकर सभी पौधों को जिनको आपने न्यू सीडलिंग्स लगाई हैं, नई कटिंग्स लगाए हैं, उन सब पे स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के पहले ये बात ध्यान रखें, अच्छे से छान लीजिए, वरना स्प्रे बॉटल में ये फंस जाता है, फिर स्प्रे बॉटल ख़राब भी हो जाता है। और जड़ों में भी दे दिया करें। देखिए ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, नर्सरी पे भी मिल जाएगा। एप्सम सॉल्ट जो है ये न्यू जर्मिनेशन को बहुत अच्छे से ग्रो करा देता है और एप्सम सॉल्ट से लश ग्रीन पत्तियां आती हैं, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है और आपके पौधे कभी मरते नहीं हैं। इसे 10 डेज पर 1 चम्मच यदि आप अपने सभी प्लांट को देंगे, या फिर ये कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भिगो करके अपने सभी प्लांट पर, न्यू सीडलिंग्स पर, न्यू कटिंग्स पर आप स्प्रे करें। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आज तक इसका रिज़ल्ट जितने भी व्यूअर्स ने यूज़ किए हैं, रिज़ल्ट 100% मिला है और मैं तो खैर हमेशा ही यूज़ करती हूँ। और एप्सम सॉल्ट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नर्सरी से भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। इससे क्या होता है, पत्तियाँ जो लश ग्रीन होती हैं अपने ग्रीन कलर को मेनटेन करती हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर पाती हैं। और जो एप्सम सॉल्ट है ये रेगुलर बेस पर यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो रेगुलर बेस पर इसका स्प्रे आप अपने पौधे पर किया करें, हर 1-10 डेज पर। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब बहुत धूप हो तो कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, या तो मॉर्निंग में दे दीजिए या फिर इवनिंग में दे दीजिए, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इससे छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह जो पत्तों के पीछे छुप जाते हैं वो भी गायब होंगे, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाएगी।